भाई अभी मेरे साइड में गाड़ी देखना कौन सी है। और भाई आंटी ने छत खोल दी भाई, घर देखो क्या सेक्सी लग रहा भाई। हम लोगों ने भाई मूवी शूट करी थी, पता है किसके साथ? इम्तियाज अली के साथ। ये भाई हम लोगों को ठेके से ऑर्डर आया थर्स्टी कैमल। क्या कर रहा है नोनू बदमाश, हेलमेट पहन के बढ़ाई? जो जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल से भाई स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ तो मैं जॉब्स की बात कर रहा था कि कहाँ से मिलेंगी, जॉब नहीं ढूंढी अभी तक, उबर कर रहा है। और एक चीज और बता दूं, इम्पोर्टेंट जॉब से रिलेटेड। वेरी गुड मॉर्निंग हर कैंट चैनल, तो भाई आज की इस वीडियो में यार मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, मेरे को ऐसे होना चाहिए कि आज के दिन है ना, क्योंकि डेली व्लॉगिंग हो गई है वापस से स्टार्ट। तो भाई सुबह सुबह उठे आराम से और मस्त, सुबह तो नहीं 10-11 बज गए थे क्योंकि आज गुड फ्राइडे है, ईस्टर हॉलीडेज है, ठीक है। हम लोग ट्रिप पर भी जा रहे हैं कुछ दिनों में। आज का क्या सीन बना, सुबह सुबह उठ के आराम से खाना वाना खाया, शार्क टैंक देखा, फिर वानी काम पर चली गई। इसको मैं घुमाने ले आया। अभी मैं भी उबर करना चाहूँगा क्योंकि ऊबर पे आज क्वेस्ट मिल रहा है, थोड़े से फालतू पैसे दे रहे हैं ऊबर वाले कि बीइंग अ नाइस एम्प्लॉय। हट जा केंद्र, टट्टी कर देगी ऊपर से वो। चल चल भागो 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 इधर भाई, क्रूज जा रही है, कितनी आवाज आ रही है इसमें से। हाँ फिर आराम से इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को ना भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी कि काफी सारे लोग बोलते हैं तुषार भाई आपको जॉब नहीं करनी, आप जब से ऑस्ट्रेलिया गए हो 4 साल हो गए, बिल्कुल ही बेवकूफ हो, ऊबर ही करी जा रहे हो। और क्या क्या बोलते हैं, चल लेकिन तो हाँ ऊबर ही कर ही जा रहे हो आप, कोई जॉब्स वगैरह है कि नहीं, अब तो डिग्री भी खत्म हो गई, अभी भी यही कर रहा है। तो भाई जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तब डोमिनोज करी, ऊबर करी, फिर से डोमिनोज किया, फ्यूल स्टेशन पे काम किया, जो भी था दिखाया आप लोगों को सब, जो रियलिटी थी जो होती है। अभी की रियलिटी भी एक और चीज़ बता दूँ, जॉब्स भाई है ही नहीं, और होती है तो मिलती नहीं है, ठीक है। किसी भी आप फील्ड में हो, जो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, उसके एकदम से बात तो भाई आप लोगों को जॉब मिल नहीं जाएगी, है ना, कि भाई तवा गरम है, ये लड़का अपनी डिग्री ख़त्म करके आएगा, इसको हम इस तवे पे बैठा देंगे, कैसे कैसे करेंगे, पैसे देंगे, समझ रहे हो ना जॉब का कॉन्सेप्ट। सबको यही लगता है डिग्री ख़त्म होते ही जॉब मिल जाएगी भाई। देखो गाड़ियाँ कितनी कम है आज रोड पे, पब्लिक हॉलीडे है, सबकी छुट्टी है, बस ट्रैम वाले घूम रहे हैं, थोड़े से गाड़ी वाले हैं, ये है, तो तवा गर्म रहता है। ऐसा सब लोग सोचते हैं कि इसको तो जॉब नहीं मिली, इसको तो ऊबर ही करनी है पूरी उम्र, इसको तो साले को लैम्बोर्गिनी दिला दो उस पे भी ऊबर करेगा। देखो अभी मस्त चल रहा था, आगे दीदी जा रही है, उसके पीछे जाना है उसको तेज। तो हाँ भाई काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल से भाई स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी एक एक हफ्ते दो दो हफ्ते में भी लग गई। सेम है भाई, जैसे सीन इंडिया में आया और किसी भी कंट्री में जॉब्स के लेके रिलेटेड, वैसे सीन यहाँ पर भी है। एकदम से तो भाई जॉब लगती नहीं, ठीक है। जॉब ढूंढने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट है अभी बताता हूँ, घर पहुँच गया, धूप आ रही है आँख में बहुत तेज। हाँ नोनो क्या हाल है, ये क्या बना दिया? टाकोस बना है। टाको वेरी नाइस, ये नॉर्मल वाली रोटी है ना, वो हार्ड कर दी तूने, नाइस। कल रात को हमने भाई टाकोस बनाए थे, फोटो देख लो साइड में, चिकन बचा था, डेट भी खत्म हो रही थी, मैंने कहा फिर से बना देते हैं। मैंने नोनो ने बोला कहाँ रखे नोनो? ओ ये रे भाई ने मस्त जचा के रख दी। ये बियर किसकी है पता नहीं भाई। ये रे भाई टाकोस, हाँ हाँ लुक्स वेरी नाइस। अच्छे हैं, अपना खाना खा चुका है ना केंजो? लुक्स वेरी नाइस। क्या लग गया हाथ में? क्या कर रहा है नोनू बदमाश, हेलमेट पहन के पढ़ाई? कौन लड़की मारने आ रही है तेरे को? भाई ऊबर पे साइन अप करना पड़ता है, मतलब जब लॉग इन करते हैं साइकिल पे तो ऐसे ऑनलाइन होते हैं, ऊबर वालों को बताना पड़ता है हमने हेलमेट पहन लिया, वी आर रेडी टू गो। तो ऐसे बैठा भाई पीछे, रूम गंदा कर रखा है, थोड़ा साफ हो जाएगा। तेरे को क्या है, तेरे को भी हेलमेट पहनना है? टॉय टॉय आइसक्रीम आइसक्रीम। चलो जो देखो भाई, लाइट बंद करके कितना मस्त लगता है, टीवी के पीछे लाइट लगी हुई है ना। जय गुरु जी। हाँ भाई निकल गए हम ऊबर करने के लिए, बाल वगैरह इसलिए बनाए थे क्योंकि मेरे को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी थी, बट अब मैंने कहा कि ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं ऑस्ट्रेलिया का, जो वो आया ना अभी नया इमिग्रेशन वाली न्यूज़, तो देखते हैं बनाते हैं कि नहीं, बट अभी तो आज तो ऊबर ऑन कर लिया क्योंकि क्वेस्ट है भाई, फ्री के $60 मिल रहे हैं, चलो लेकर आते हैं फ्री के $60, 12 डिलीवरी करनी है उनके बदले। तो पहली डिलीवरी आ गई भाई, 3 ऑर्डर आए $8 के और पहले 3 पे $12 फ्री मिलेंगे, तो $20 की डिलीवरी। ये भाई हम लोगों को ठेके से ऑर्डर आया थर्स्टी कैमल और उठा लिया मैंने। ये भाई 3 ऑर्डर, 3 दारू हैं अलग अलग तरीके की। और हाँ ईस्टर है, मतलब गुड फ्राइडे है, तो इसलिए प्रमोशन दे रखा है इन्होंने। बाकी
जो भी लोग आज काम कर रहे हैं ना उनकी डबल पे है भाई, अनलेस यू आर वर्किंग ऑन कैश। कैश पे काम करोगे तो वहाँ पर नहीं होता, एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होती है भाई। और हाँ, बाकी अगर आप लोग की टैक्स पे जॉब है तो डबल पे है भाई, और एबीएन वालों की भी, मतलब कई कुछ कुछ दे दिया भाई ऑर्डर दीदी को यहाँ पे। और मैं जॉब्स की बात कर रहा था ना, अभी करूँगा धीरे धीरे, पहले तेते डिलीवरी कर दूँ भाई। घर देखो क्या सेक्सी लग रहा भाई, ये आगे दूसरे घर पे देने के लिए। भाई दीदी कहती है यहाँ से डे गोइंग, मैं कहा भाई सही तो है, बढ़िया जा रहा, बस हमको जाना घूमना था आज, क्योंकि छुट्टी है ना भाई आज सबकी। बट मैंने बोला भाई मेरी गर्लफ्रेंड को शिफ्ट आ गई, काम पे जाना पड़ गया उसको। कहती ओह आई नो दैट्स अनोइंग बट इट्स गुड पे दो। मैंने कहा हाँ ट्रू। एंट्री कहाँ से बोले? हाय हाय डॉइंग। यूजुअली भाई पब्लिक हॉलीडेज पे बहुत ज्यादा क्वाइट होता है, बट आज सही है, मतलब बिजी है, रोड्स क्वाइट है, ऊबर बिजी है, ऐसे कैसे। और पता है मेन चीज, स्कूल्स और बुलीज बंद है, जहाँ से बढ़िया बढ़िया डिलीवरीज आती हैं, शायद क्रिसमस वाले टाइम पे और ईस्टर पे ये बंद होता है स्कूल्स और बुलीज। मतलब ग्रोसरी करनी है तो सारे एक दिन पहले ही कर लो। इस पे जाना हमको है ना दीदी की दुकान पे मछली की। मैं भी बेशर्म हूँ भाई, यहाँ ले गया फूड डिलीवरी पिकअप है यार, मैं अंदर घुस गया दुकान की भीड़ में। थैंक यू वेरी मच भाई। इस गली में से गाड़ी लेकर आया हूँ मैं, पूरा यहाँ लगा दी कोने में, पार्किंग गलत है पर ये गली भी बंद है आगे, क्या करें। ये ऑर्डर नंबर 5th उठाना है मेरे को, गाड़ी बंद है एज यूजुअल। देखो भाई कैसी सी रोड है ये, इधर कोई पेडेस्ट्रियन ना आ रहा हो ठुक पिट जाएंगे लोग। अब हमको ये देने जाना है 5 किलोमीटर दूर। देखो धूप कैसे आ रही चटक। अरे हाँ, तो मैं जॉब्स की बात कर रहा था कि कहाँ से मिलेंगी। तो जॉब होती है भाई सीक पे, इंडीड पे, लिंक्डइन पे, ठीक है ये वेबसाइट्स आ रही होंगी ऐसे, उनके लोगो लगा दूंगा मैं। तो जो भी आप लोगों को जॉब ढूंढनी है उसके रिलेटेड, स्पॉन्सर्ड नहीं है ठीक है, पहले बता चला लो ऑन पड़ेगा। जिस भी फील्ड में आपको ढूंढनी है, जैसे आपको आईटी में ढूंढनी है, अकाउंटिंग में ढूंढनी है, आप इंडिया से बैठे बैठे ढूंढ सकते हो ठीक है, कि क्या जॉब का स्टेटस है, कितनी जॉब अवेलेबल है कि नहीं। और सच बात बताऊँ भाई, मिनिमम 6 महीने तो लगते ही हैं जॉब ढूंढने में, हर बंदे का अलग हिसाब किताब है, बट मिनिमम 6 महीने तो आप ये सोच के चलो कि हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। जब हम स्विमिंग करने भी जाते हैं तो जाती थोड़ी सीख जाते हैं ना, वैसे ही टाइम लगता है हर चीज़ को। और जो लोगों की जल्दी लग गई भाई, सिखा दो हमको भी कैसे लग गई। हर जगह पे ऐसा ही हाल है, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे MBA बैचलर्स वाले लोग धक्के खाते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद जाके मिलती है सेम इधर ही। तो मेरे को भाई अब बार बार मत बोल जॉब नहीं ढूंढी अभी तक ऊबर कर रहा, मैं मजबूर, मेरे को मजा थोड़ी आ रहा भाई इतना ज्यादा कि मैं यही कर रहा हूँ। मेरे को भी चाहिए अपना ऑफिस में बैठू है, कोई बढ़िया सी फिल्म एंड टेलीविजन में जॉब लग जाए, मस्त बैठू वो सब करूँ। बट भाई समझो, समझा करो ना यार, ऐसे क्या हर बारी कि तुषार भाई यही करना है पूरी उम्र, हम तो इसको इन्फ्लुएंसर समझते थे, ये तो भाई अपने को ऊबर ही ऊबर चेप रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा। तो भाई वही जो चल रहा है वही है ठीक है। जब मेरा भाई मेरे को हाँ मिला था ना वियतनाम में, थाईलैंड हम लोग गए थे जब पहले, मेरा भाई यही कह रहा था मैं जॉब से बोर हो गया। मैंने कहा क्यों? कह रहा सेम काम हो रहा है। मैं कहा पूरी दुनिया सेम काम कर रही है, पापा 30 साल से काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी सेम ही तो काम कर रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, नई ट्रेनिंग आती है, नई नई चीज़ें आती हैं, बट मोस्टली चीज़ें तो सेम ही होती है ना भाई। तो इसलिए मैं मेरी तरह से जितना हो सकता है भाई उतना इंटरेस्टिंग करके आप लोगों को डे दिखाऊंगा। और जो चलता है मैं वही तो बताता हूँ भाई। इंटर्नशिप मैंने करी, मैंने 1.5-3 या 4 महीने मैंने इंटर्नशिप करी ठीक है। इंटर्नशिप पे हम लोगों ने भाई मूवी शूट करी थी, पता है किसके साथ? इम्तियाज अली के साथ ठीक है। मैं मिला था भाई इम्तियाज अली से, मैंने खैर इतना व्लॉग वगैरह नहीं किया था, हेलो किया था ठीक है। इम्तियाज अली कौन है जिनको नहीं पता, रॉक स्टार बनाई थी 2011-12 में, और मेलबर्न में मूवी शूट के लिए आए थे वो लोग, तो हमारा भी उसमें छोटा सा रोल था भाई एक ठीक है। तो वो मूवी अभी तो नहीं, खैर अगस्त में आएगी। और जो मैंने खुद मूवी जो अपनी शूट करी थी ना फिल्म के लिए, तो सर भाई वो कहाँ है? तो भाई वो उसमें थोड़े से एडिशंस बचे हैं, बस वो जैसे ही होते हैं मैं मूवी को लाइव कर दूंगा ठीक है। अभी मैंने भेजनी है भाई जो हमारे डायरेक्टर साहब थे उनको, तो उनके पास मूवी जाएगी, थोड़ा सा एडिट करना है। मैं खुद डायरेक्टर था ठीक है, हम दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसे थे, असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर ठीक है। तो एक बार थोड़ी सी भाई को भेजनी है मैंने, भाई इंडिया में ही है, तो उनसे मेरे को थोड़ा सा करवाना है मूवी के अंदर, तब मैं वो डालूंगा। और जो रही बात इम्तियाज अली की मूवी वाली, तो वो तो अगस्त में आएगी, उसमें छोटा सा रोल है अपना, बट भाई मजा आया मेरे को काफी तगड़ा है। चलो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी डिलीवरी कर रहे हैं। हाँ जॉब की बात मैं कर रहा था, तो भाई धीरे धीरे मिल जाएगी यार, टाइम लगता है हर चीज को। अभी तो ग्रेजुएट हुआ फ्रेश यार, अभी तो स्ट्रगल होना चाहिए ना जिंदगी के अंदर, तभी तो आगे जाके बच्चों को बताओगे ऐसा हुआ हमारे टाइम में, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो फिर क्या है ना।
तो समझ गए, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर बटन नीचे। भाई अभी मेरे साइड में गाड़ी देखना कौन सी है, और भाई आंटी ने छत खोल दी। अभी जैसे मैं टर्न लूंगा ना तब देखना भाई, मजा आ जाएगा देख। अभी ये रेड है ना सामने, ये ग्रीन होएगी तब मैं थोड़ी धीरे चलाऊंगा, रिस्पेक्ट देनी है मेरे को गाड़ी को। हो जा ग्रीन, ढीला इसका स्क्रू, लाइट खराब है क्या? और आ भाई साहब, आंटी को चलाने नहीं आई, मेरी लेन में डाल दी। सेक्सी गाड़ी लग रही है भाई। भाई देखो काली डिफेंडर और पिंक कलर की बेंटली है, सेक्सी लग रही है भाई। हाँ तो भाई मैं मोटा मोटा आप लोगों को जॉब का बता दूं कि जॉब में अच्छा केंद्र केंद्र नो, तो भाई कंक्लूजन ये निकला कि हमेशा जब आप ग्रेजुएट होगे तभी लगे हाथ आप लोगों की जॉब नहीं लग जाएगी, टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, समझ गए ना? मतलब मोटा मोटा मैं कुछ और बोलने वाला था, मैं भूल गया। और हाँ, अप्लाई करी थी भाई कुछ कुछ इंटरव्यू के लिए, कुछ आया नहीं ऐसा खास, आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मुश्किल है भाई, ये नहीं है कि हम लोगों को आते ही ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ मिल जाएगा, जिंदगी में हर चीज भाई से स्ट्रगल होके मिलती है ना, तो फिर उसका स्वाद ही अलग आता है ना। सेम चीज़ अगर मैं इंडिया में बीबीए में अप्लाई करूँ, या जैसे मैंने बीबीए करी तो उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भी भाई इतनी ज़्यादा अप्लाई करने के बाद फिर इंटरव्यू, फिर लगे ना लगे, वो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो अभी तो ग्रेजुएट हुआ भाई, एकदम से पटपट कमेंट, जॉब नहीं करनी, यही करना है। हाँ भाई यही करना है मेरे को, ठीक है जब लगेगी जॉब तब मैं बता दूंगा। तो अगर आप लोग इतनी सी लगी, और भाई ऊबर ने मेरे को सब कुछ दिया है, ऊबर की वजह से ही भाई चैनल हमारा एकदम से बूस्ट अप हुआ था, ठीक है। जब मैं 2020 में आया था ऊबर ने, तो भाई इतना ऊबर ऐसे साथी है ना लोगों की, लाइफ सेवर है भाई, सच्ची में बता रहा हूँ। लोग जो लोग यहाँ रहते हैं वो इस चीज को रिलेट करेंगे, मेरा माथा चमका मार रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, वो थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दी थी मैंने कमरे में, थोड़ी लाइट कम है ना। और एक चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट जॉब से रिलेटेड, जितना जो ऊबर में कमा रहा है ना फुल टाइम, वो जब जॉब लग जाएगी ना, 70-80 हज़ार डॉलर का पैकेज जो बेसिक होता है ऑस्ट्रेलिया में, 60 भी होता है, तो उससे ज्यादा ही बंदा कमा लेता है ऊबर में, ठीक है। तो ऊबर को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। तो हाँ, अगर आप लोगों को इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारे सब्सक्राइब करना, मैं आपको लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए मिलते हैं। और इस वीडियो में कितने पैसे कमाए वो कल पता लगेगा, कल भी तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा ना, इसे दबदबा बना के रखो, मौज काटो, मजे करो। फ्रॉम मेलबर्न बॉयज ऑफ इंडिया। भाई 12 डिलीवरी कर दी, फिर मैं घर जा रहा था, फिर ये ऑर्डर आ गया एक, और इसके साथ एक और आ गया। दाढ़ी बड़ी गंदी लग रही है ना, कल कटवानी है, बाल भी बहुत बड़े हो गए भाई, कल कटवा लेंगे अच्छे से।